हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक सप्ताह हो गया पूरे आए हुए मेरा मायके में। बृहस्पति को ही आए थे और आज बृहस्पति ही है और आज यहाँ पर मार्केट है जो यहीं पर लगता है बृहस्पति को, और मंगल बाज़ार तो आगे लगता है, तो आप सबको वीडियो में दिखाए ही थे। तो एक सप्ताह पूरा हो गया, अब तो घर जाने का मन करने लगा है। क्रिस को भी मन नहीं लग रहा है यहाँ, और मुझे भी मन नहीं लग रहा है। छवि भी अकेली है वहाँ, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। तो देखते हैं, एक दो दिन में जाना होगा, क्योंकि अभी पापा गए हैं रांची और अभी लौटे नहीं हैं। तो ऐसे में मम्मी को छोड़ के अकेले जाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्रिस भी अभी नहीं है घर में, तो दिखाते हैं आप सबको अपना गांव। वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं तुरंत। फ्रेंड्स, अभी हम सब आए हैं इवनिंग वॉक पर, और मेरे साथ देखिए मम्मी भी है। शाम के समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप सबको दिखाते हैं। इधर आम का बगीचा भी है, बहुत अच्छा है यहाँ पर आम का बगीचा। बहुत सारे पेड़ हैं, ये बहुत बड़ा इमली का पेड़ है और ये बगीचा है आम का। और इधर देखिए शाम के समय में ठाकुरबाड़ी भी है ये। और सबसे ख़ास बात जो है यहाँ का, वो दिखाते हैं आप सबको। तो देखिए, ये है मनातू गढ़, जो बहुत नामी था पहले, मगवार साहब का घर। और ये अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वही कुछ पेड़ पौधे हैं, और थोड़ा इवनिंग टाइम के चलते उतना अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, सब गिर गिर चुका है। पहले का मकान जो था वो गिर गया है, और अभी ये नया मकान बनाकर रहते हैं आगे, तो आप सबको दिखाएंगे। इसके पीछे में है जस्ट, और ये तो देख रहे हैं कि पूरा मकान इनका गिर चुका है। इधर ताड़ का कितना पेड़ है, खजूर का, ताड़ का, और साथ में पलाश का फूल देखिए, वो भी खिला हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी तो हम लोग देखिए, ये सड़क है और मेन रोड है, इसी पर चल रहे हैं। मेन रोड में ही बगल में मगवार साहब का घर है, और यहीं पर तालाब भी है, छठ पोखरा। तो यहाँ पर छठ होता है, हर साल इसी में होता है। वो भी आप सबको दिखा रहे हैं। क्रिस नहीं आया है, माँ के साथ हैं। तो दिखाते हैं आप सबको यहाँ का तालाब। फ्रेंड्स, ये तालाब है, और अभी पानी कम है, लेकिन बरसात के समय में, छठ के समय में बहुत पानी ज़्यादा होता है। यहीं पर छठ पूजा होता है। पहले तो इस पर सीढ़ी बना हुआ था, लेकिन सड़क बनने पर वो मिट्टी से दब गया है, देख सकते हैं। पानी अभी भी है तालाब में। और इधर देखिए, ये है मगवार साहब का घर। तो ये घर तो पहले पुराना वाला है, और ये देखिए नीम मकान है जिसमें प्रेजेंट में रहते हैं अभी इन लोग। तो इनका मकान देखिए, यही है मनातू मगवार साहब का घर, जिसको कि यहाँ पर गढ़ बोला जाता है, वही है। गेट है सामने से, मनातू राजा का मकान। हाँ, पहले यहाँ के ज़मींदार थे, तो वही हैं, और फिलहाल मुखिया हैं यहाँ के, उन्हीं का मकान है। और आगे चलिए, आप सबको दिखाते हैं देवी मंदिर। अरे देखिए, सड़क के किनारे भी कुछ घर मकान है। ऐसे तो घर से निकलती नहीं है मम्मी पैदल, पैर में दर्द रहता है, तो मेरी वजह से आई है घूमने।
शाम के समय में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं एकदम। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरा भरा खेत खलिहान। और मम्मी देखिए पीछे पीछे आ रही है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्कूल है हमारे गांव का, जो बहुत नज़दीक है हमारे घर से। देखिए स्कूल है राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय बनातू। अरे बाज़ार से बहुत नज़दीक है, तो मार्केट के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं आसपास के। और यहाँ तो ऐसे वो दो तीन स्कूल और है गवर्नमेंट, जो आगे है एक मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है प्लस टू, वो आगे है थाना के आगे है। और ये स्कूल तो यहीं पर है नज़दीक में। तो आप सबको बता दें कि इसी स्कूल में मेरे पापा पढ़ाते भी थे, जो करीब यहाँ पर 7-8 साल पढ़ाए हैं रिटायरमेंट के समय, और यहीं से रिटायर भी हुए हैं, यहीं से रिटायर हुए हैं। तो लास्ट समय तक इसी में अपना सेवा किए। तो ये स्कूल तो अभी नया बना है, और जब पापा पढ़ाते थे उस टाइम वो स्कूल, आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला स्कूल था जो कि अभी टूट रहा है, एकदम गिर रहा है। और ये तो भवन निर्माण ही उस टाइम हो रहा था, पापा को रिटायर किए हुए हो गया, 10-12 साल हो ही गया है। तो घर से नज़दीक था उनका, लास्ट समय में रिटायरमेंट के टाइम में इसी स्कूल में योगदान दिए अपना। तो देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर स्कूल है, बगल में ही देवी मंडप भी है, चारों तरफ अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर आम का ही सिर्फ बगीचा हुआ करता था, और आम का बगीचा कट जाने के कारण सिर्फ झाड़ी बचा है, देख सकते हैं पूरा बगीचा कट गया है। स्कूल तो बन गया है पर पता नहीं विद्यार्थी कितने रहते हैं यहाँ पर। और आगे जो स्कूल है हाई स्कूल, तो उसी में हम लोग पढ़े हैं, इसमें तो नहीं पढ़े हैं क्योंकि पापा बाहर रहते थे, तो मिडिल स्कूल की पढ़ाई करके ही यहाँ पर मैं आई थी। और इस स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई किए हैं गांव में। बैठ करके आप सबसे बात करते हैं, थोड़ी देर घूमने आए हैं टहलने इधर, और अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पर शांति है गांव में एकदम, चारों तरफ पेड़ पौधा बहुत कुछ, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। पहले आम का बगीचा होता था तो और भी अच्छा लगता था, सब कुछ कट चुका है, पेड़ पौधा बस झाड़ी है, खजूर है, यही बचा है यहाँ पर। मिडिल स्कूल दो है और एक हाई स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल भी है एक। तो अब तो ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत कम ही पढ़ते हैं। और यहाँ पर प्लस टू भी हो गया, पहले से तो ज़्यादा सुविधा भी हो गया है। बहुत साल बाद यहाँ पर आकर के बैठे हैं, जब स्कूल जाते थे उस टाइम आम का बगीचा होता था, तो स्कूल से लौटते वक्त मॉर्निंग स्कूल के समय में हम लोग आम चुनते थे। अब तो आम का बगीचा है ही नहीं, तो आम कहाँ से बच्चे चुनेंगे। तो बचपन का याद ताज़ा हो गया यहाँ पर, ये आम का बगीचा होता था और हम लोग स्कूल से लौटते वक्त पत्थर मारते थे और आम चुनते थे, चाहे आम खाएं या ना खाएं लेकिन पत्थर मारना ज़रूरी होता था। और पत्थर मारकर बहुत खुश होते थे कि आम इतना सारा गिर गया है मेरे से। तो वो बचपन की याद एकदम से ताज़ा हो गई, और वो जाने कहाँ गए वो दिन वाली बात हो गई है। आम का बगीचा था तो रास्ते में उतना दूर 3 किलोमीटर हम लोग का स्कूल होता था, पैदल आने में आम के बगीचा में छाया में रुक जाते थे। और अब तो सारा पेड़ ही कट चुका है यहाँ, बहुत ज़्यादा पेड़ था आम का, मतलब चारों तरफ सिर्फ आम ही आम था, सड़क के इस पार भी और उस पार भी दोनों तरफ आम का बगीचा था, और एक से एक आम था, हर तरह का आम उसमें था। और वो सब बगीचा मुगवार साहब का ही था, और वो कटवा दिए
कटवा करके बेच दिए, तब तो यहाँ पर सिर्फ झाड़ी बचा है, कुछ नहीं रहा। शाम हो गई तो कुछ डार्क भी हो गया है, तब घर चलते हैं। इस स्कूल में पापा पढ़ाते थे और साथ में छोटी बहन भी आती थी, अकेले वो नहीं संभाल पाते थे तो छोटी बहन को भी भेजते थे कि जाओ। अकेले टीचर थे उस टाइम में, पारा टीचर भी नहीं था कोई यहाँ पर, बहुत दिन तक अकेले संभाले स्कूल। देखिए पूरा टूट गया है एकदम, और इधर नया वाला बना है, और इधर देखिए बगल में ही देवी मंदिर है, तो यहीं पर आते हैं पूजा करने चैत में, नवरात्रि में, मतलब हर समय जब भी यहाँ पर होता है पूजा तो यहीं पर आती है माई सब। तो अभी आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी आ जा रहे हैं। देखिए छोटा सा मंदिर है गांव का, देवी मंदिर। मम्मी भी आ रही है, तो ये देखिए माता रानी का मंदिर है, और हर समय यहीं पर पूजा करने आते हैं सब गांव के लोग, क्योंकि गांव में एक ही देवी मंदिर है। और आप सबको इधर भी दिखाते हैं कैसा फील्ड हो गया है, रहा है आप सबको। सिर्फ खजूर का पेड़, इधर बहुत आम का बगीचा होता था, इतना ज़्यादा आम और जामुन का कि कहना नहीं है। इधर देखिए चिलबिल का पेड़ है, बचार पूरा घना जंगल की तरह होता था। फ्रेंड्स शाम हो गई और घर की ओर लौट रहे हैं, इतना ही चलने में थक गए हम लोग, और ये रास्ता पता नहीं कितना बचपन में चले होंगे, इन्हीं गलियों में बचपन बिताए हैं पूरा बचपन, पर डे आना जाना स्कूल, 3 किलोमीटर आना जाना होता था, 3 किलोमीटर पैदल स्कूल आते जाते थे, कोई थकावट नहीं, और अब तो इतना ही चलने में थक जा रहे हैं। वो भी बचपन था, आने जाने में टाइम से स्कूल, और टाइम से पहुंच भी जाते थे। तो ये गली ये रास्ता पता नहीं कितना चले हैं, पूरा बचपन गुजारे हैं। फ्रेंड्स घर पहुंचने ही वाले हैं, और इधर तालाब के पास है। तो आप सबको मेरा गांव कैसा लगा घूमकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।